बहुत अभिमान है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी जात का अभिमान है, उनके गांव का अभिमान है, उनको इस चीज का अभिमान है कि उनके फादर हिंदू है, उनके ये चीज का भी अभिमान है कि उनकी मदर मुस्लिम है, वो एक सेक्युलर बंदा है। उसके मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, जिसका भी फायदा इस चीज से होने वाला है कि वानखेड़े जी उस सीट से हट जाए, वो भी कर रहे होंगे, कौन करेगा तो इस पे किसको पकड़ते हैं समीर वानखेड़े जी? ड्रगी लोगों को ना, तो जरूर ये ड्रगी लोग ही कर रहे हैं। जिस तरह से समीर वानखेड़े सर पे एलिगेशन लग रहे हैं और सर्टिफिकेट को लेकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये सारे एलिगेशन बेसलेस है। इसके साथ हमने बहुत सारे प्रूफ्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं और ये हमको देने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये उन्होंने कोर्ट में नहीं लगाए, एलिगेशन ट्विटर पे लगाए हुए हैं, एक सोशल मीडिया हैंडल पे, और उसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देने की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने दिए। उसके सारे सर्टिफिकेट्स मेरे फादर इन लॉ ने मीडिया के सामने ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, लोगों ने वो देखे हैं, और आज भी जनता समीर के साथ है, और अभी भी प्रूव हो चुका है कि कौन फर्जी काम कर रहा है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स रोज बन सकते हैं, कोई भी इंटरनेट से प्रिंट कर सकता है। जिस तरह वसूली का उन पे आरोप लग रहा है, उस पे आपका क्या बोलना है? कभी दुबई का नाम आ रहा है सामने, कभी मालदीव्स का नाम आ रहा है सामने। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रॉशन अगर समीर को करना होता तो कब के कर चुके होते। आज की डेट में उनके जैसे स्पॉटलेस करियर नहीं है, बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उनके जैसे ऑनेस्ट काम करते हैं, तो मुझे ऐसा कहना है कि वो जैसा काम करे उन्हें करने दीजिए। वो एक्सट्रॉशन के अगर चार्जेस कोई लगा रहा है तो उसके साथ में कोई प्रूफ भी पेश कीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ हो, कोई मैसेज हो, कोई समीर वानखेड़े का कोई रिकॉर्डिंग हो, कुछ तो हो। सिर्फ हम ऐसे नहीं बोल सकते, तो वैसे भी मैं भी बोल सकती हूँ हाँ इसने एक्सट्रॉशन किया, उसने एक्सट्रॉशन किया, ये बेसलेस कमेंट्स हैं। आई डोंट थिंक ऐसे बेसलेस कमेंट्स पे किसी ने ध्यान देना चाहिए। ओके, मैम जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे आरोप ऐसे लग रहे हैं जो उन पे नहीं ये हो रहा है, सो आप क्या मतलब अगर कोर्ट में जाएगा ये केस तो किस तरह से समीर जी कभी भी विजिलेंस से डरे नहीं है। उन्होंने जो भी ऑनेस्टी से काम किया है वो लोगों के सामने उन्होंने पेश किया है, उनको बार बार सरकार ने मेडल्स दे के पुरस्कृत भी किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कहीं भी कोई भी लेवल पे उस चीज से वो ये है वो डरते हैं या कोई भी चीज से। और अब व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? आई एम सॉरी, जिस तरह से मतलब अगर कोर्ट में गया ये केस तो वो खारिज कर हो पाएगा या फिर नहीं, जिस तरह से आप लड़ेंगी नहीं लड़े पाएंगी क्या? वही मैं बोलना चाहती हूँ, सॉरी, कि वो बिल्कुल भी विजिलेंस से उनको कोई भी खौफ नहीं है। अगर कोई इस केस का वो लोग एक्सट्रॉशन एंगल देखना चाह रहे हैं तो जरूर देखें, समीर वानखेड़े क्लीन एंड क्लियर ही बाहर निकलेंगे। यानी रिलीजन को लेकर जिस तरह से इस मुद्दे में सीखा जा रहा है उसमें आप क्या कुछ टेक लेना चाहेंगे? समीर वानखेड़े जिस हिसाब से अपना रिलीजन प्रूव करने के लिए हम लोग उनके डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, ये भी बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मिंदगी वाला है। वो क्यों? क्योंकि वो एक छोटी जाति से आते हैं, क्योंकि वो एक छोटे गांव से आते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप उनको क्या लगता है वो सबके सामने लाएंगे तो वो शर्मा जाएंगे? नहीं, उनको बहुत अभिमान है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको अपनी जात का अभिमान है, उनके गाँव का अभिमान है, उनको इस चीज़ का अभिमान है कि उनके फादर हिंदू है, उनके ये चीज का भी अभिमान है कि उनकी मदर मुस्लिम है, वो एक सेक्युलर बंदा है। उसके पैर खींचने की कोशिश ना करें, उसके रिलीजन के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी पेश किए हैं, यूपीएससी ने अगर उनको एक जॉब पे रखा है तो डेफिनेटली उनकी पूरी जांच की गई है, तभी वो उस पोजीशन पे है। तो इस चीज को चैलेंज करना इसका मतलब अपने सिस्टम को चैलेंज करने जैसा है। इतने बड़े मतलब ऑफिसर को चैलेंज करना और बहुत सारे आरोप को लगाना, क्या कुछ आपको लगता है कि इतने आरोप क्यों लग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है, जिसका भी फायदा इस चीज से होने वाला है कि वानखेड़े जी उस सीट से हट जाए, वो भी कर रहे होंगे, कौन करेगा तो इस पे किसको पकड़ते हैं समीर वानखेड़े जी? ड्रगी लोगों को ना, तो जरूर ये ड्रगी लोग ही कर रहे हैं, जिनको अपना ड्रग्स का कारोबार शायद शुरू रखना है वो लोग कर रहे हैं, वो लोग की सोची समझी साजिश होगी। आर्यन खान को लेकर जिस तरह से समीर सर ने अपना दिखाया उन्होंने, और ये भी आरोप लग रहा है कि वो कुछ पैसे लिए हैं इस तरह के, उसमें क्या कुछ बोला ना मैंने एक्सटॉर्शन के बारे में? एक्सटॉर्शन के बारे में पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि समीर वानखेड़े की जो ये जो एक्सट्रॉशन का ये जो चल रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी सिस्टम ने कहा है कि उसके ऊपर जांच होगी। समीर वानखेड़े ने कभी भी जांच से बैकआउट नहीं किया है, और अगर एक्सट्रॉशन का कोई प्रूफ है उनके पास तो वो सामने आए और वो कोर्ट में सादर करेंगे, ये नहीं कि हम ट्विटर पे डाल देंगे। क्या प्रूफ है उनका? कुछ लिखित है, समीर वानखेड़े ने किधर बयान दिया है, उनका कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग है, कुछ फोन रिकॉर्डिंग है, कुछ व्हाट्सएप चैट है, बताइए, कुछ नहीं मिलेगा। आई नो माई हस्बैंड, थैंक यू। थैंक यू।